हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है ओसी, उसमें से हम कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 तक, प्लानिंग तक ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। आज चैप्टर 4 की बात होगी। द टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। 12th कॉमर्स का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम पिछले लेक्चर में भी देख रहे थे कि प्लानिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने प्लानिंग कर लिया, मीन्स क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, मेंटल प्लानिंग, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, स्ट्रेटेजी मेकिंग, वो सब आपने कर लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी है, द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अगर हम मीनिंग की बात करें, एज पर द बुक लैंग्वेज उन्होंने बोला है, इन जनरल वर्ड्स द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज द फर्स्ट वर्ड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। हमने बात की थी वो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, उस तरीके से। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है जिसके बेसिस पे आप जो भी काम करवाना चाहते हो लोगों से, उसका डेलीगेशन प्रॉपरली हो सके। इसका मतलब कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज होंगे, कितने एम्प्लॉय होंगे, किसको टीम में रखना है इस प्रोजेक्ट के लिए, किसको नहीं रखना है, किसको क्या काम देना है और किसको क्या काम नहीं देना है, वो सारी चीज़ें जो आपको डिसाइड करनी होती है, और फिर अलॉटमेंट करना होता है कि भाई ये आपका काम है, आपको ये इतने टाइम में इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेट करना मतलब पास ऑन करना। तो वो जो हम पूरा काम या जो प्रोसेस कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर, डन हो गया ये। चलो आगे बढ़े। अब कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। सबसे पहला जो डेफिनेशन आ रहा है, इट इज गिवन बाय चेस्टर आई बर्नर्ड। The activity conducted by the cooperation of two or more people and their coordination is called organizing. सही बात है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में एक एक्टिविटी एक अकेला इंसान कर ले जरूरी नहीं है। इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क एंड अ टीम वर्क इज ऑलवेज सक्सेसफुल एंड इट विंस। तो अगर कंपनी चलाना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हो, तो टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद लुई एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टूगेदर इन अकम्पलिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये भी हमने ऊपर पढ़ा, ये कुछ वैसे ही हो गया कि लोगों को साथ में लेना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज डिसाइड करना, उनके बीच में रिलेशंस डिसाइड करना, कौन जूनियर, कौन सीनियर, कौन टीममेट, वो सारी चीजें, ताकि इफेक्टिव वर्क जो है वो हम उनसे ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कंसेप्ट पे आ गए। कंसेप्ट पे वापस से वही बता रहे हैं कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को आपको इफेक्टिवली चलाना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी। ऑर्गेनाइजिंग इज द कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो ऑब्वियस है, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा, बर्नर्ड की डेफिनेशन में कम से कम दो लोग तो वहाँ पे होने ही चाहिए। तो ये रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा नाम है अरेंजमेंट, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। द अनदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजमेंट। इन ऑर्गेनाइजिंग, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल gather to achieve a common objective, interrelationship is established amongst them. Human body is an excellent example. ये example दे रहे हैं human body का। हमारे body में भी, हमारे body के work करने के लिए आप देखते हो कि कितने सारे organs एक साथ काम करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप smile कर रहे हो तो आपकी smile में बहुत सारे bones और muscles और tissues काम कर रहे हैं, तब जाके आप smile कर पा रहे हो। तो it is a tough job, इसलिए बहुत लोग smile करते ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो मौका मिले तो स्माइल कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सबसे। अब इसमें ना आपको जो पॉइंट्स दिखेंगे ना, वो थोड़ा बहुत प्लानिंग से भी रिलेट होंगे और थोड़ा डेफिनेशन से भी। तो अगेन हम हेड पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग भी गोल ओरिएंटेड था, ऑर्गेनाइजिंग भी गोल ओरिएंटेड होगा। टारगेट है माइंड में, तभी तो ये किया ना। जैसे देखो क्रिकेट मैच की हम बात करते हैं, तो मतलब टीम सिलेक्शन होता है। बहुत मीडिया में भी हंगामा होता है कि भाई धोनी कैप्टन था तो इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, विराट कोहली ने इसको टीम में लिया, इसको नहीं लिया, वो सब चीजों का डिस्कशन जो है वो न्यूज चैनल्स पे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते रहते हैं। अब कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इस बार मैच में किसको खिलाना है, पहली चीज तो ये देखते हैं कि मैच इंडिया में हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है।
अगर इंडिया में हो रहा है तो कौन से ग्राउंड पे हो रहा है, अच्छा वो जो पिच है उस पिच को कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि जो प्लेयर का वो होम ग्राउंड है, जैसे कोई दिल्ली से खेलता है, अब दिल्ली से अगर वो रणजी ट्रॉफी और नेशनल या स्टेट लेवल क्रिकेट खेला है तो उसको दिल्ली की जो क्रिकेट पिच है उसको उसने बहुत बार खेला होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो वो उस ग्राउंड की बाउंड्रीज को समझता है, रेंज को समझता है कि भाई सिक्स मारने के लिए कितना पावर लगाना पड़ेगा, अच्छा वो उस पिच के टर्न को बाउंस को समझता है। तो ऐसे प्लेयर को टीम में इंक्लूड करना, उसके एक्सपीरियंस को यूज करना ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा फिर होता है बॉलर्स के लिए, भाई पिच जो है उस पर स्पिन बॉलिंग ज्यादा अच्छी होती है, फास्ट डालते हैं तो स्विंग अच्छी करती है, बाउंस ज्यादा अच्छी होती है, उस दिन हवा का डायरेक्शन बहुत ज्यादा तेज होने वाला है, बारिश हो सकती है, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के टीम सिलेक्ट की जाती है। और मीडिया वाले बोलते हैं विराट कोहली की इससे दुश्मनी है तो इसको निकाल दिया, धोनी की आईपीएल टीम में उसके साथ नहीं खेलता इसलिए इसको निकाल दिया, वो सब बकवास बातें होती हैं। कहीं ना कहीं उनका फोकस मैच जीतने पे होता है, तो अल्टीमेट गोल क्या है, मैच को जीतना, और उसको जीतने के लिए जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने पड़ेंगे वो लेंगे। तो कितनी बार इन फॉर्म अच्छा प्लेयर भी बैठता है बाहर और जिसकी ज्यादा जरूरत है होम टीम होम ग्राउंड के हिसाब से उसको प्रेफर किया जाता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, फिर बोला है ऑर्गेनाइजेशन एक लीनियर स्ट्रक्चर है, वन आफ्टर दी अदर, टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है वैसे ही होता है। प्लानिंग बेस्ड, ये हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो प्लानिंग के बाद ही होते हैं, कोई नई बात नहीं है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। ह्यूमन एलिमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ये हर जगह जरूरी है, देखो प्लानिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि कभी भी कुछ चेंज आ जाए यू शुड बी रेडी फॉर द चेंज, कि आप अपने सिस्टम में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसको जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप उसको चेंज कर सको। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस धोनी की मूवी देखी होगी, सुशांत ने उसके अंदर धोनी का रोल प्ले किया था। अब उसके पहले कॉन्ट्रोवर्सी थी कि वर्ल्ड कप फाइनल में युवराज सिंह के पहले महेंद्र सिंह धोनी क्यों बैटिंग करने उतर गए, ठीक है तो ये उन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए किया, रन बनाने के लिए किया, ये वो ऐसे सब बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज मीडिया में आई थी, बट उस पर धोनी ने तब कोई कमेंट नहीं किया ना ही ऐसा कुछ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन मूवी में उन्होंने एक छोटा सा जो सीन था ना उसमें एक फ्लिक में बता दिया कि रीज़न क्या था। अब जब वो दिखाते हैं कि भाई ये सुशांत या धोनी जो उसको रोल प्ले कर रहा है वो मैच देख रहा होता है अंदर बैठ के टीवी पे, और फिर वो देखता है कि मुरलीधरन जो है श्रीलंका के स्पिनर बॉलर है वो बॉलिंग करने आ गए और दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुरलीधरन है इसलिए मैं बैटिंग पे जा रहा हूँ, तो ही वॉज श्योर कि भाई युवराज सिंह जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है मुरलीधरन को परेशान करेंगे, मैं मुरली को ज़्यादा बेटर खेलता हूँ मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं पहले जा रहा हूँ। बोलते भी हैं कोच, बोले वो तो ऑलरेडी रेडी बैठा है, बोले नहीं आप उसको बोल दो बिकॉज ऑफ हिम पहले मैं जा रहा हूँ, तो एक रीज़न था ना, तो इमीडिएट उन्होंने चेंज किया वो देखते हुए, क्या उन्होंने ये बॉलर लेके आए तो मुझे उतरना पड़ेगा, भले वो पहले से प्लान नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आगे जाके इनिशिएटिव लिया और तुरंत से वो चेंजेस किए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग, अब डेलीगेशन तो हो चुका था, नेक्स्ट बैट्समैन रेडी था लेकिन फिर भी बीच में से आपने प्लान को चेंज किया, ये सब चीजें होती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स, अब इंटर रिलेशनशिप होने वाला है क्योंकि टीम वर्क है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, टीम्स बन रही हैं, ग्रुप बन रहे हैं, हर एक ग्रुप को एक टास्क दिया जा रहा है, तो आपको टीम वर्क करना है, कुछ काम आप करोगे कुछ काम आपका टीममेट करेगा, तो डिवीजन ऑफ वर्क होने वाला है, तो अच्छे रिलेशन और बॉन्डिंग क्रिएट होती है कंपनी में, दैट इज नेसेसरी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कोई भी काम डेलीगेट करते हैं तो उसको फिर देखना भी तो पड़ेगा कि जिसको जो काम दिया है वो कितना अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज, ये तो है ऑर्गेनाइजिंग और कुछ नहीं है, आप ऑर्गेनाइजिंग जब कर रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया कि टीम्स में काम डिवाइड होता है, सेम पॉइंट। कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कंट्रोल्ड इसलिए कि कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ध्यान रख रहा है किसको क्या काम दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली कर रहा है और हर एक लेवल पे जो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके काम को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, तो ये एक पूरा आंसर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 9 पॉइंट्स हैं, कितने पूछेंगे, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, एक पॉइंट का एक मार्क होगा, तो अगर 6 पॉइंट्स पूछे हैं आप 6 पॉइंट्स लिख दो मोर देन इनफ है, या वो कितनी बार मेंशन ही कर देते राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको पता है कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं
ऑर्डर वो रट्टा मारने मत बैठना भाई, पहले आप पॉइंट्स तो याद कर लो, बार बार जब पढ़ोगे तो ऑर्डर भी याद हो जाएगा। तो मैं उस चीज को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि पहला गोल एक्टिविटी फिर प्लानिंग ही होना चाहिए। हाँ, आपको एक लॉजिकल फ्लो में याद हो जाए तो ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है, रट रट के उसी चक्कर में अपन थक जाए साल के एंड तक, वो नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ या द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए स्टेप्स में नया क्या लेके आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही था। अब ये स्टेप्स आपको ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे, यह ध्यान रखना, क्योंकि देखो कोई भी काम हम करते हैं उसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं। तो अब जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बना रही है, तो खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, अभी सब्जी बना रहे तो पहले सब्जी बना दो फिर काट लेंगे सब्जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले आपको सब्जी को छीलना पड़ेगा, उसको वॉश करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, फिर उसको सॉटे करना पड़ेगा, फिर आप उसको कुकिंग करने के लिए बॉयल होने के लिए रहने दोगे, ठीक है, कुक होने के लिए, उसके बाद सब्जी बनेगी, फिर एक मसाले कब डालने, प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो आप कभी भी कुछ भी कर दोगे और एंड में रिजल्ट आ जाएगा, वैसा तो नहीं होगा। तो आंसर लिखते टाइम भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, उसमें उन पॉइंट्स का आपस में जरूरी नहीं कि कोई क्रोनोलॉजी हो, कोई लिंक हो, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। बट प्रोसेस में जब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू बी डन फर्स्ट, तो फिर आप उसमें अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग द आंसर इन अ करेक्ट मैनर, वहां पे आपके मार्क्स कट होंगे। तो यहाँ लॉजिकली आपको उसको ऑर्डर में लिखना है। बेसिक सबसे पहले बोला क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको कोई काम सौंप रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ आपसे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्या काम दे रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव और गोल शुड बी क्लियर। इसके बाद लिस्ट ऑफ फंक्शंस, क्या काम करवाना है पहले तो ये देख लो कि भाई टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, फिर उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट बना लो। डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस मतलब जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, असेंबलिंग, गाड़ियों का काम है तो डेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है, और जो भी और प्रोसेस होते होंगे वो, ठीक है। तो ये सारा जो काम है उसको हम फंक्शंस बोलेंगे। और डिपार्टमेंटेशन मतलब डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर देना कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतना ही काम होगा, उस डिपार्टमेंट में उतना ही काम होगा, वैसे हम डिवीजन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, किस डिपार्टमेंट की कितनी एबिलिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट किस पोजीशन में है, भाई इस डिपार्टमेंट का काम बहुत टफ है क्योंकि दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये ठीक से नहीं हुआ तो प्रोडक्ट खराब बनेगा एंड ऑल, टेक्निकल काम है तो वहां पे बंदे वैसे रखो जो उस लेवल के हो, भाई ये काम पैकिंग का है, पेंटिंग का है, असेंबलिंग का है, इजी है, कोई भी कर सकता है, तो इसमें एवरेज बंदे रख दो, ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। उसी बेसिस पे देखो नेक्स्ट पॉइंट होगा, पहले सबकी एबिलिटी समझो और उस एबिलिटी के हिसाब से उनको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करो। ठीक है, तो ऑर्डर में चल रहा है। फिर इंटर रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टेब्लिश होगा क्योंकि टीम वर्क होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बना लो ताकि आपको दिखे कि टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कितने डिपार्टमेंट में कौन कौन मैनेजर्स हैं। अपन ने पता है वो चार्ट बनाया भी था फर्स्ट चैप्टर में, वो ट्रायंगल जैसा था, उस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो और उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किसको कहाँ से रिप्लेस करना है, कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सी पोजिशन पे दूसरे बंदे को बिठाने से उसकी एबिलिटीज का बेटर यूज होगा, वो चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक आते आते अपना एक और आंसर खत्म हुआ, विच इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज अगेन फुल फ्लेज आंसर, एक पूरा बड़ा आंसर है ये, और स्टेप्स आपको ऑर्डर में लिखने होंगे। और अगर ये पूछेंगे ना तो ये पूरा पूछेंगे, मतलब आपको 7 पॉइंट्स पूरे लिखने होंगे, क्योंकि एडवांटेजेस में मैं एक दो पॉइंट कम लिखता हूँ तो ठीक है, बट प्रोसेस तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक होता है ना, इन बिटवीन तो अपने प्रोसेस को कट डाउन कर नहीं सकते या आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ 7 पॉइंट्स पूरे लिखना जरूरी होगा। ठीक है, डन। तो बस यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू समझाना होगा मुझे, तो मैं आपको हर एक लेक्चर में एक एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पढ़ के रखो, पर्सनली डाउट्स पूछ लेना तो हम उसको क्लियर आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।